गाइस आज हम लेके आ चुके हैं खटाला रिक्शा साइकिल और इस रिक्शा साइकिल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं लग्जरी वैनिटी वैन में। गाइस इस खटाला रिक्शा साइकिल को हम लेके आए हैं 8,000 रुपए में, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अब हम इसको लाखों रुपए की साइकिल वैनिटी वैन बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत हम करने वाले हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी चारों तरफ की हालत बता देता हूँ कि अभी इसकी हालत कैसी है। देखो भाई, यहाँ पर ये पैंडल टूटा हुआ है और जो ये बॉडी है ना, यहाँ पे आप देखो ये क्रैक है भाई, बुरी कंडीशन है यहाँ पर आप देखो। और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होने वाली है स्पेस की। देखो अगर इस तरीके के जो पाले आदमी है ना, वो एक इससे बैठ जाए तो यहाँ पे दूसरा बंदा तो आने ही नहीं वाला, तो यार हमारे को स्पेस भी बनानी पड़ेगी भाई। तो काफी ज्यादा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे स्पेस। तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सीट वाला हिस्सा, इसको हटाते हैं। ग्रिल लाओ जल्दी, ये ग्रिल रणु जी बाद में जाना, पहले काम कर। फाइनली कट गया यार, कोई जरूरत नहीं इसकी, हटाओ। तो गाइस यार 3 दिन से लगातार बारिश आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमने बारिश में भी काम किया और यहाँ पे आप देखिए लगभग इतना तो हमने काम को फिनिश कर दिया है। जो ये प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है देखो, और काफी ज्यादा मजबूत बनाया है। मोनू कूद के बता एक बार भाई, ये भैंसा कूद गया ना इसके ऊपर तो फिर भी ये ना टूटा, तो मतलब काफी ज्यादा मजबूत बना है। जी हाँ, और यहाँ पे आप देखो जी, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम पहनाएंगे इसको कपड़े। तो यहाँ पे आप देखो ये वाले कपड़े है इसके, ये जो भी है ना सारे जो टीन के चद्दर, वो दोस्तों चारों तरफ लगने वाला है, और फिर हम बनाएंगे इसके खिड़की, फिर बनाएंगे दरवाजा। अंदर अभी तो बहुत सारी लग्जरी देना बाकी है, तो चलिए फटाफट से अब है ना जो ये चद्दर वो हम लगाएंगे इसके चारों तरफ। गाइस रिक्शा साइकिल को वैनिटी वैन में कन्वर्ट करने में लग गए टोटल 4 दिन भाई। 4 दिन तक हमने लगातार मेहनत की और आखिरकार जो अपनी रिक्शा वैनिटी वैन है वो बनके तैयार हो चुकी है। हाँ काफी ज्यादा अटपटा सा नाम है, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमने लाजवाब चीज बनी है ना उसको हम नाम क्या दें, लेकिन जो भी बनी है लाजवाब बनी है। तो यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये रही अपनी रिक्शा वैनिटी साइकिल। देखो गाइस कितनी मस्त है यार, सब हालत डाउन हो गई, इसको बनाते बनाते पसीना आ गया ऊपर से लेके नीचे तक। 4 दिन लगे यार, 4 दिन काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे आप देखो हमने क्या क्या सुधार किए हैं। सबसे पहले तो जो पूरा कलर है ना वो दोस्तों हमने चेंज कर दिया। जी हाँ, पहले आपने देखा होगा भाई क्या कलर कितना ज्यादा घटिया था, यानी कि सारी चीजें टूटी फूटी थी, तो हमने सारी को रिपेयर किया। देख सकते हो हमने इसको किस तरीके से डिजाइन किया है, और यहाँ पर ये रहा इसका छोटा सा गेट। तो गाइस अंदर से तो हम इसको बाद में बताएंगे, लेकिन अब आपको बताता है कि हमने इसके अंदर एडिशनल और क्या क्या लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर है ऊपर सोलर पैनल, ताकि हमारे को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा नीचे अपना इन्वर्टर, यहाँ पर ये देखो भाई, ये ना एक छोटी सी डिग्गी टाइप हो गया, जो होती है ना कार की डिग्गी, वैसी एक डिग्गी बन चुकी है। लेकिन अब आपको बताते हैं अंदर से भाई, अंदर से हमने इसको कितना लग्जरी बनाया है। तो यहाँ से हम करेंगे इस गेट को ओपन। देखो सीढ़ियाँ हमारे को लगानी पड़ी, क्योंकि है ना काफी ज्यादा ऊंची है ये, तो कुछ इस तरीके से हम अंदर चढ़ेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर, और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो आपको चीज दिखेगी ना वो दिखेगी दोस्तों स्पेस। जी हाँ, क्योंकि हमने एक साइकिल के ऊपर एक छोटा सा रूम बना दिया है। आप सोचो साइकिल की सीट कितनी बड़ी होती है, इतनी सी, केवल इतनी सी, और हमने टोटल इतना बड़ा एक रूम बना दिया है, वो भी एक बाइक साइकिल के ऊपर। और इसके अंदर भी यार काफी ज्यादा स्पेस है, मैं आराम से सो सकता हूँ देखो, और मेरे जैसे 3 बंदे और सो सकते हैं, यानी कि टोटल 4 बंदे की है ना
कैपेसिटी है इस रूम के अंदर, और ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम जिसको हमने इस तरीके से डेकोरेट किया है। नीचे हमने देखो यहाँ पे क्या लगा रखी है, घास, तो हम नेचुरल घास तो नहीं लगा सकते, ये है दोस्तों आर्टिफिशियल घास, और चारों तरफ थोड़े फूल पत्ते हमने बिछा दिए है ताकि एक अच्छी सी वाइब आए। और आगे आप देखो गाइस, ये है छोटा सा स्टोर रूम, ये तो है हमारा रूम, ये है स्टोर रूम, और यहाँ पर ये पंखा, और ये है फोर सीलिंग लाइट। देखो सारी हमने सीलिंग लाइट लगा रखी है ताकि नाइट में एक अच्छा व्यू दिखे। तो चलिए यार फटाफट से पंखा चलाते हैं, गर्मी हो रही है यार यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पावर स्टेशन, तो यहाँ से होगा पंखा ऑन। गाइस अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, अगर ये पंखा ना होना तो इसके अंदर तो हालत खराब हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने पूरा जुगाड़ बिठा रखा है। ऊपर है सोलर पैनल, और सोलर पैनल की मदद से ये पंखा, यहाँ पे ये सीलिंग लाइट, एलईडी वगैरह सब कुछ चलेगी। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सोलर पैनल की मदद से चलेगी, और बाकी है ना स्पेस से तो कोई कमी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और अगर देखो मैं इस तरीके से सीधा खड़ा हूँ ना, तो जो मेरा सर है ना वो भी ऊपर टच नहीं हो रहा है। देखो एक नंबर हमने काम किया है, इस काम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे लोगों के रिएक्शन, इसको लेके जाएंगे सड़क पर और देखने वाले हैं कि यार इसको देखकर लोगों का कैसा रिएक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, ओए किशोर चला। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो हम चलती हुई अपनी वैनिटी के अंदर किस तरीके से ना गाने सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों भाई ये पूरी देवी किस तरीके से हिलती है, लेकिन एक बात है भाई, मजा खूब आ रहा है, एक नंबर वो देखो किस तरीके से चल रही है यार, मजा तो आ रहा है। ओ भाई खतरनाक है यार भाई, डर लगता है काफी ज्यादा। ओए तेज से कंट्रोल नहीं हो रही है क्या? ओए यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस, ओए ढंग से चला यार। गाइस मैं तो नीचे उतरने वाला हूँ, अभी तक है ना इसको चलाना नहीं आया है, ढंग से चला पहले इसको। यहाँ पे गाइस इसके अंदर डाल दिया इसने, अभी है ना गिरा देता मुझे। ढंग से चला, ढंग से बैठ जाओ ऊपर। क्या डांस कर रही है गाइस, देखो किस तरीके से, भाई साहब देखो ये किस तरीके से डांस कर रही है। ओए सुन सुन सुन, मुझे भी चलानी है गाइस। अबे ना इसको मैं भी चलाने वाला हूँ, देखते हैं कि यार किस तरीके से चलती है ये। हट जा हट जा हट जा भाई साहब, चार दिन की मेहनत हमारे सामने, देखो किस तरीके से चल रही है। मैंने यस, ये है चार दिन की मेहनत, काफी ज्यादा मेहनत है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालों। भाई इसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बस थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ऐसा नहीं है कि है ना ज्यादा ताकत चाहिए इसको चलाने में, सिंपली जिस तरीके से साइकिल चलती है ना उससे आप ज्यादा से ज्यादा 25% एक्स्ट्रा आप एनर्जी मान लो, इससे ज्यादा तो हमारे को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी यार लोगों में तगड़े रिएक्शन है भाई, लोग देख देख के इसको हंस रहे हैं कि यार ये क्या चीज है, लेकिन जो पी है आपके सामने है भाई। सब्जी ले लो, आलू कांदा टमाटर प्याज। ये काम हम कर सकते हैं इसके अंदर, ये काम कर सकते हैं। किलो भेज दो किशोर को, किशोर जा बेच के आ ऐसे सब्जियां, जा किशोर शाम तक 1000 रुपए चाहिए घर पे। प्याज टमाटर अदरक लहसुन 20 रुपए किलो, लो वाले पानी बोतल पावल वाले। ये बहुत सारा बिजनेस कर सकता है यार गाइस, इस किशोर को भेजते हैं यार ऐसे बाहर के अंदर। तो गाइस अब आने वाला है असली मजा, हम इस साइकिल वैनिटी वैन का करने वाले हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका कच्चा रास्ता, किशोर आने दे। ओए ये क्या हो रहा है, आने दे आने दे आने दे, ओए हट जा साइड में। ओ गाइस मैं तो हट जाता हूँ यार। मतलब क्या ना, हम इसको आराम से जंगलों में भी लेके जा सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस जो ये अपनी साइकिल रिक्शा है ना वो कच्चे रास्ते में भी बिल्कुल ढंग से चल रही है, और भाई जो पक्के रास्ते है ना उसमें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है। भाई अपनी रिक्शा साइकिल है रफ एंड टफ, भले गड्ढे हो कुछ भी हो भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती है। तो अब हमारा आइडिया है क्यों ना इसको लेके जाए जंगल।
जी हाँ दोस्तों, यार 24 आवर्स के लिए हम जाएंगे जंगल में इसको लेकर। और इसके अंदर है ना कुछ कमी है, जैसे कि इसके अंदर फ्रिज नहीं है, इसके अलावा दोस्तों गैस चूल्हा नहीं है, तो वो भी हम इसके अंदर लोडेड करने वाले हैं और फिर इसको लेकर जाएंगे जंगल में। जी हाँ, तो तैयार हो तुम? यस तैयार हो। कितना लाइक है मेरा अपन? 50,000। तो गाइस फटाफट से 50,000 लाइक आप पूरे करो और फिर हम इसको लेके जाएंगे जंगल में। और बाकी सब्सक्राइब भी कर देना, 3 मिलियन फटाफट से कराओ। चलो।